छिंदवाड़ा की निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से बीजेपी विधायक के पद के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर ही नहीं सकती और विकास की जिस परिभाषा को वह मानते हैं मैं उसे सिरे से खारिज करता हूँ। उन्होंने कहा कि कमलनाथ थके हुए नेता हैं और मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि एक दिन 24 घंटे आम आदमी बनकर जिंदगी जीकर दिखाएं तो वह हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते हैं। मैं पैदल भी चलता हूं और हेलीकॉप्टर पर भी चलता हूं, लेकिन कमलनाथ को चुनौती है कि वो एक दिन पैदल चलकर चुनावी अभियान करके दिखाएं। राजनीतिक इच्छा शक्ति है और कोई भी लोकतंत्र के प्रति उनमें आस्था है या वो अपने आप को मानते हैं, नानी की बात तो उन पर कहीं फिट होती नहीं, लेकिन जो मेरा आरोप है उसका वो जवाब दे कि वो थका हुआ चेहरा है, थके हुए वो नेता है, वो 1 किलोमीटर चल नहीं सकते तो चलो ये तो उम्र का सवाल है, वो नहीं चल सकते तो अपनी संतान को चला दे। लेकिन जो दूसरा आरोप है मेरा कि वो 6 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो किसी जिले में कांग्रेस की बैठक लेने गए हों तो उसको जरूर बताए। वो 1.5 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सचिवालय से बाहर वो किसी जिले में गए हो तो जिले का नाम बताएं। और मुझे लगता है कि इस विधानसभा में हमारे उम्मीदवार ने जो काम किया मैं उसको बेहतरीन तरीका मानता हूं, ताकि आम आदमी को पता चलना चाहिए। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा मुख्यालय में किस वार्ड में कार्यकर्ता के नाते या नेता के नाते गए, ग्रामीण क्षेत्र का तो बूथ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो थका हुआ नेतृत्व है राजनीति में चुनावी रणनीति से या जोड़ तोड़ से चुनाव जीत जाना ये महत्वपूर्ण बात नहीं होती है।